नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात करते हैं। खुले मंच पर यह कहते हैं कि आने वाले सालों में 1 लाख से ज्यादा युवा जदयू की सक्रिय राजनीति में नजर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं होती हैं कि मैंने पीएम और सीएम बनाए, लेकिन वो एक अलग बात है, मगर मैं युवाओं को एमपी एमएलए तो बना ही सकता हूं। प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर में थे। उनके इस बयान के बाद कई सारे विवादित सुर उठने लगे हैं। पहले सुनिए कि प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में क्या कुछ कहा है इन युवाओं से। अगर भ्रष्टाचार पर बात करनी हो, सब आदमी यही कहेगा कि भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, लेकिन आपको हमको पता है कि लक्ष्मी की गर्मी इतनी होती है कि कल आपको मौका मिला नहीं कि परसों आपके सारे सिद्धांत पिघल कर नीचे आए। नीतीश कुमार का साधुवाद इसलिए है कि 30 बरस राजनीति में सर्वोच्च शिखर पर बैठने के बाद भी इस आदमी ने अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया, अपने लिए, परिवार के लिए, पार्टी के लिए पैसा नहीं बनाया। यह साधारण बात नहीं है। बिहार के नागरिक होने के नाते आपको इस बात का गौरव होना चाहिए। हम लोग गरीब राज्य हो सकते हैं, कई मानकों पर दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने और बिहार की जनता ने नेता चुनकर बनाया है, वो आदमी चोर नहीं है। वो आदमी अपनी क्षमता के अनुसार राज्य के लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश में लगा हुआ है, और उस कोशिश को सलाम होना चाहिए। और बिहार की जनता की, हमारी, आपकी ये जिम्मेवारी है कि उस आदमी को मजबूत बनाकर रखें। मेरा आपको व्यक्तिगत आश्वासन है, आप राजनीति में आने की अगर सोच रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड, इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए जो कर सकता हूं, आपकी क्षमता के अनुसार राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए, खासकर चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। अगर आपको राजनीति में सदस्य बनने आना है, संगठन में जगह पाना है, तो उसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 साल में, 5 साल में मुखिया बनना चाहते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन बनना चाहते हैं, एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आइए। आप में अगर क्षमता अगर है, आप में अगर क्षमता है, तो मेरी जो थोड़ी बहुत बुद्धि शक्ति है वो आपके क्षमता के साथ मिलकर आपके सपनों को साकार करने में लगाई जा सकती है। और आप जो पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि मैंने इस व्यक्ति की मदद की चुनाव जीतने में, उस व्यक्ति की मदद की, वो विवाद का विषय हो सकता है किसकी, किसके, किसने कितनी मदद की, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने में मैं मदद कर सकता हूँ, तो बिहार के नौजवानों को मुखिया और एमएलए एमपी बना सकता है। और खासकर जो दाहिने साइड में छात्राएं बैठी हुई हैं, आप लोग इधर, इनका विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहता हूं, और आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत इसलिए कीजिए कि हम लोगों की जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसमें यंग लड़कियों का राजनीतिक स्थल पे, राजनीतिक कार्यक्रम के स्थल पर आना, राजनीति में रुचि दिखाना, ये आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, जिन समाज में 100 को लड़कियां बहुत इम्पावर्ड नहीं हैं, अगर आपने हिम्मत करके आगे थोड़ी जगह बनाई, तो आपके लिए लड़कों के मुकाबले राजनीति में सफल होना ज्यादा आसान है। ये मेरा परसेप्शन नहीं है। आज तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी, लेकिन जिन राष्ट्रों में महिलाओं की स्थिति सो कॉल्ड अच्छी नहीं है, भारत इंक्लूडेड, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जितने राष्ट्र हैं, यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने राष्ट्रों का नेतृत्व ऑलरेडी किया है। आपको इस बात की चिंता, अगर आप महिला हैं, तो इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो वहाँ देश की नेत्री बन सकती हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महिला हैं, श्रीलंका में राष्ट्रपति महिला रही हैं,
थाईलैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में सारी महिलाएं वहाँ नेत्री रही हैं। आपकी शुरुआत जो है वो थोड़ी कठिन ज़्यादा लग सकती है, लेकिन ऐसे समाज में जहाँ महिलाओं की स्थिति ऑप्टिकली बहुत अच्छी नहीं दिखती है, बहुत इम्पावर्ड नहीं दिखती है, एक थ्रेशोल्ड पास करने के बाद आपको समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है। इसलिए हिम्मत करके आप राजनीति में आएंगी तो इससे बिहार का भला होगा, समाज का भला होगा। और नीतीश कुमार ने करके दिखाया है, 50% पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन हुआ, तो आप में से ज़्यादातर लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि ज़्यादातर उसमें जो महिलाएं चुनकर आई हैं वो पति मुखिया हैं। राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, स्पेशल फोकस छात्र संघ पर दे रहे हैं। जिलों के उनकी जो खास टीम है वो जिलों में रहकर कैंपेनिंग कर रही है, रिसर्च कर रही है, और जो क्षेत्रीय युवा नेता हैं उन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आने वाले 10 साल के बाद राजनीति में चेहरों का अभाव देखते हुए अपनी एक मजबूत टीम तैयार कर रहे हैं। तभी तो जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे वो अब जदयू में शामिल हो रहे हैं। छात्रों का क्षेत्रीय राजनीति, युवाओं से जुड़ाव, इन सारी चीज़ों पर अच्छा पकड़ होता है। प्लस कि वो युवा हैं तो उनकी कार्य क्षमता भी ज़्यादा आंकी जाती है, और इसीलिए प्रशांत किशोर युवाओं से जुड़ रहे हैं। और हर बार जब युवाओं के साथ उनकी मीटिंग होती है तो वो यह कहते हैं कि हम युवाओं को पद देंगे, युवाओं को टिकट देंगे, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, वार्ड के चुनाव हो, या मेयर से लेकर कोई सा भी चुनाव हो, उसमें युवाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे। उन्हें मजबूत भूमिका में लाने की बात कहकर वो पार्टी से इन युवाओं को जोड़ रहे हैं। जब वो मुजफ्फरपुर में बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पीएम और सीएम तो बनाने की बात होती है, मगर ये वादा भी कर दिया कि मैं आपको एमपी एमएलए बना सकता हूं। अब विवाद इस तरह से उत्पन्न हो गया है कि प्रशांत किशोर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो हैं, मगर एक बड़ी पार्टी है, उसकी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, और उसमें नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कई सारे सीनियर नेता अच्छे अच्छे पदों पर अच्छी अच्छी भूमिका में नजर आते हैं। तो क्या सिर्फ प्रशांत किशोर ही हैं जो एमपी एमएलए बना सकते हैं? पूरी पार्टी की बैठक होती है तब जाके एक टिकट फाइनल होता है, कई सारे सर्वे होते हैं। प्रशांत किशोर सर्वे करवा रहे हैं और नामों को आगे तो रख सकते हैं, मगर ये फैसला लेना पूरी पार्टी का होता है। कोई भी एक अकेला व्यक्ति ऐसी बातें कह दे तो वह पार्टी के एकता, अखंडता और बाकी नेताओं की भूमिका को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा जाता है। इसी बात का विवाद फिलहाल बिहार की राजनीति में उत्पन्न हो गया है, जिसके शिकार कभी चाणक्य कहलाने वाले प्रशांत किशोर अब हो रहे हैं। खुलकर बयान देते हैं, साफ साफ कहते हैं, कभी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में तो कभी नेताओं के अच्छे मित्र, मैं प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं जो ट्वीट उन्होंने किया, इस भूमिका में भी जवाब देते हैं। मगर राजनीति परसेप्शन से चलती है, एक सोच से चलती है, एक प्रेजेंटेशन से चलती है। प्रशांत किशोर जितना खुला बोलते हैं इससे कई बार वो बिहार की राजनीति और राजनीतिक बयानबाजियों का शिकार हो सकते हैं। इसका फायदा नुकसान आगे देखना होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहती है, कितनी मजबूती से वो डटे रहते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आप तक पल पल हर वक्त सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, तभी तो हम बिहार में नंबर वन बन चुके हैं। YouTube पर तो आप हमें प्यार और आशीर्वाद दे ही रहे हैं, बिहार में आप हमें प्यार और आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in की वेबसाइट पर भी जाएं और बने रहें हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें। नमस्कार।